राधे राधे दोस्तों, जय श्रीमन नारायण। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड आई एम आल्सो डूइंग वेरी गुड इन माय लाइफ। एंड और बताइए, आप लोग कभी कुछ बताते ही नहीं, कमेंट करते ही नहीं, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आप लोग कैसे हैं। प्लीज़ नीचे कमेंट्स करके इतना तो बताइए कि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो लोग कैसा फील कर रहे हैं लाइफ में, वो लोग कैसे हैं, सो मुझे भी पता चले, है ना। और ये जो क्लिप आप लोग देख रहे हैं ये वेंसडे की है, और वेंसडे की रात को हमारे घर में बने थे छोले भटूरे, जो कि बहुत ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर पाई मैं यहाँ पे, बस थोड़ा सा क्लिप था, ये एक ही क्लिप पूरा रिकॉर्ड हुआ था, इसके अलावा और कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। तो छोले बन चुके थे, ये गर्म गर्म भटूरे यहाँ पर बन रहे हैं, तो उसके बाद मैं सबको सर्व करूँगी, बट कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, आई एम सो सॉरी। छोले बहुत बेहतरीन बने थे, भटूरे कम बेहतरीन बने थे ऐसा कह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने डो ज़्यादा टाइम तक रखा नहीं, और बोला जाता है कि भटूरे का जो डो है ना, उसको जितना ज़्यादा टाइम हम लोग रेस्ट करने के लिए छोड़ते हैं वो उतने अच्छे भटूरे बन के आते, मतलब बनते हैं। तो मेरा डो हार्डली 1.5 आवर बोल सकते हैं, 1 से 1.5 घंटे तक के रेस्ट पे था, तो ठीक है, उस हिसाब से अच्छे भटूरे बने थे, मतलब कड़क नहीं हुए थे, फूल रहे थे, कम फूल रहे थे, ऐसा हो रहा था, बट ठीक था। चलो लर्निंग तो हो गई कि नेक्स्ट टाइम से अगर कभी भटूरे बनाऊँगी तो दिन में ही आटा लगा के फिर रात को बनाऊँगी, ऐसा कुछ कर दूँगी। मैं आप लोगों को भी यहाँ पे एक टिप शेयर कर देती हूँ, अगर आप लोग भी फ्यूचर में भटूरे, छोले भटूरे प्लान कर रहे हैं, तो भटूरे को, भटूरे के आटे में इनो डालिए या फिर दही डालकर उसका डो तैयार कीजिए, और उसको छोड़ दीजिए कम से कम 2-4 घंटे, 5 घंटे, जितना ज़्यादा रेस्ट देंगे उतने फुले फुले आपके भटूरे बनेंगे। और भटूरे का मतलब ही होता है खूब फुला हुआ होना, है ना, जैसे शादियों में रिश्तेदारों में फुलाते हैं, बस वैसे ही समझ लीजिए। तो और ये है थर्सडे की क्लिप, नेक्स्ट मॉर्निंग की। मैं यहाँ पे सुबह 5:45 को ही उठ गई थी, और उसके बाद पहले मैंने नहा धोकर घर की पूजा की, येलो कपड़ा पहना, उससे समझ में आ गया होगा थर्सडे। थर्सडे ना मेरे जितने भी वीकडेज होते हैं ना, उसमें थोड़ा अलग होता है मेरे लिए, तो थर्सडे को मैं कुछ ज़्यादा ही और एक्टिव हो जाती हूँ स्पिरिचुअली, तो ऐसा बोल सकते हैं। आज तो मैं 5:45 को उठी, सबसे पहले मैंने पूजा वगैरह किया अपने लड्डू गोपाल को, आज मैं पंचामृत से स्नान कराती हूँ थर्सडे को, ये मेरा नियम नहीं है, मतलब कोशिश रहती है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कभी कभी मुझसे मिस हो जाती है ये चीज़, आई वुड नॉट लाई हियर, बट ऐसे मतलब, बट ट्राई करती हूँ कि मैं उनको थर्सडे को पंचामृत से स्नान कराऊँ। उसके बाद फिर हस्बैंड का टिफ़िन तैयार किया, टिफ़िन में बनाए थे रोटियाँ फुलके जो हमेशा बनते हैं, और आलू की कलौजी बनाई थी, उसको पैक करके एक अचार के साथ अपने हस्बैंड को दे दिया मैंने, और बच्चे सो रहे थे, मैं मंदिर के लिए निकल गई एज़ यूजुअल। घर की पूजा तो हो ही चुकी थी, घर का पानी वगैरह भी हो गया था, बच्चे सो रहे थे, हस्बैंड ऑफिस, तो मैंने सोचा चलो अब मंदिर होकर आ जाए तो बस। और वैशाख पूर्णिमा भी थी, बहुत अच्छा दिन था आज का। और आज ही के दिन वृंदावन में जो राधा वल्लभ जी, मतलब राधा वल्लभ लाल जी हैं, उन्हीं का प्राकट्य हुआ था, मतलब वो खुद से प्रकट हुए थे आज ही के दिन, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिन था आज का। तो बस मंदिर गई, शिवाय, अभी मैं मंदिर से आ रही हूँ। वेलकम टू माय ब्लॉग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड अभी बस घर पर जा रही हूँ, और पूजा बहुत अच्छे से हो गई, और क्या, अब उसके बाद जाके चाय बनेगा, और बच्चे भी अभी तक सो रहे हैं या नहीं, चलो जाकर अभी पता चलेगा। तो चलिए गाइस, ब्लॉग में बनी रहिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, ओके। हेलो गाइस, तो झाड़ू पोछा सब कुछ, घर की क्लीनिंग विनिंग, डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है, और अब मैं फाइनली अपना चाय लेकर बैठी हूँ, और तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया जाए। आपको पता है क्या हुआ, पहली बार चाय रखा तो फट गया दूध, फिर मुझे लगा मेरे से कुछ मिस्टेक हुई है, फिर मैंने सिर्फ दूध बॉईल करने के लिए रखा, वो भी फट गया, देन आई वाज लाइक अरे यार सुबह सुबह, फिर मैंने राघू को नीचे भेज के दूध मंगवाया फिर से एक नया पैकेट, फिर तब तक मैंने बोला था मैं जब तक टाइम वेस्ट हो रहा तब तक चलो पोछा लगा लेते हैं, तो पोछा लगाया, साथ ही साथ चाय भी मतलब बन के रेडी हुई, बच्चों को दिया दूध उनका, और फिर राघू ने भी ब्रश किया, और फिर मैं अपनी चाय लेके बैठी हूँ। क्या लाडू?
वृंदावन में ना एक कहावत बहुत ही फेमस है, राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। और सच में मैं पता है वृंदावन गई बट मुझे राधा वल्लभ जी के दर्शन नहीं हुए, तो सच में उनके दर्शन बहुत ही दुर्लभ है ऐसा कह सकते हैं। और उसके बाद आज थर्सडे है तो मैं गौ माता को रोटी ज़रूरी खिलाती हूँ, गुड़ रोटी, और वही खिलाने में गई थी। उसके बाद मैंने कुछ फूल वगैरह खरीदे घर के लिए, पूजा के लिए, और बस यही सब खरीद के मैं घर वापस आ गई हूँ यहाँ पे। और बच्चे घर में टीवी देख रहे थे, और यहाँ पे मैं पापा का टिफ़िन देने आई हूँ। आज पापा घर पे नहीं आए थे, कुछ रीजंस थे उसकी वजह से पापा नहीं आ पाए घर पे, तो पापा को टिफ़िन देकर आ गई। और उसके बाद ये है इवनिंग के क्लिप, फिर दोपहर का कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ उसके बाद से, ये है इवनिंग के क्लिप। और मैंने ड्रेस चेंज कर ली है। एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, जो बेलपत्र हमेशा जाती हूँ मैं जहाँ दिया जलाने, एक बेलपत्र का आपने देखा है जहाँ पर शिवलिंग विराजमान है तो मैं हमेशा वहाँ पे जाती रहती हूँ दिया जलाने। आप लोगों को पता है मंडे टू मंडे, बट आज पूर्णिमा थी तो वहाँ पे आज भी गई थी मैं, बट मैंने वहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं की। मुझे ना ज़्यादा ऐसे मंदिर वगैरह में शूट करना खुद से ही अनकम्फर्टेबल लगता है, तो वहाँ से आने के बाद घर की पूजा वगैरह करने के बाद यहाँ पे मैं दाल बनाने जा रही हूँ। दाल रोटी बनाने वाले हैं आज हम लोग डिनर में, क्योंकि लंच में मॉर्निंग में वैसे भी वो रोटी भाजी खाई थी, तो इसके वजह से भाजी खाने का मन नहीं था, बच्चों को दाल खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो उनके डिमांड पे मैंने दाल बनाया, रोटी बनाया। मुझे नहीं पता सब लोग, मतलब दाल रोटी सुनने में बहुत बेसिक लगता है और है भी बहुत बेसिक खाना, बट मेरे घर पे सब बहुत खुशी से खाते हैं ऐसा उन, मतलब जैसे लोग पूड़ी मिठाई छोले बर्फी खाते हैं ना, वैसे मेरे घर में उतने ही चाव से सभी लोग, इवन इंक्लूडिंग मी, हम लोग दाल रोटी पसंद करते हैं। हम लोग बहुत ही बेसिक इंसान हैं ना, इसीलिए तो यहाँ पे बस वही रोटी वोटी बना रही हूँ। और बच्चे अपना आपस में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कभी शोर मचा रहे हैं, क्या बताऊँ। बस दो बच्चों की जो लड़ाइयाँ होती हैं ना, कभी रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाऊंगी। और दाल बहुत बेसिक बनाई थी, मतलब मैंने क्या किया था, जो आम होता है ना, कच्चे आम कैरी, उसको ना, मतलब वैसे सब लोग एक पूरा ऐसे डाल देते हैं आम में, लेकिन मैं वैसे नहीं करती, मैं उसको ना पीसेस में कट करती हूँ, बहुत सारे पीसेस में कट करके फिर दाल के अंदर डालती हूँ, और वो पूरे दाल में जब मिक्स होता है ना, और हींग और हल्दी, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं जाता हमारे दाल में। और यहाँ तक कि हम लोग छौंका भी नहीं लगाते, मतलब फ्राई भी नहीं करते दाल को, हम लोग ऐसे ही दाल खाना पसंद करते हैं। क्या है, ज़्यादा प्रोटीन मिलता है ना ऐसी कोई बात नहीं है, बट सब ऐसे ही पसंद करते हैं हमारे घर में। और फिर यहाँ पर ना थोड़ा सा बैगन बचा हुआ था घर में, तो मैंने सोचा चलो यार उसको यूज़ कर लेते, सूख रहा है, तो थोड़ा सा भुजिया टाइप बना दिया, मतलब दाल के साथ एकदम चल भी गया। और आपको बताओ, मैं आज के दिन थर्सडे को मोस्टली मेरा रूटीन होता है, देखिए, एक तो गौ माता को रोटी देना, येल्लो कपड़े पहनना, येल्लो चीज़ों का दान देना, और थोड़ा यू नो आज पूजा करने के भी थोड़े से तरीके अलग होते हैं, रोज, मतलब रोज़ से भागवत गीता पढ़ना, वैसे तो रोज़ कोशिश होती है कि भागवत गीता का पाठ करूं, बट लेकिन थर्सडे को मतलब सोचती हूँ कि अगर नहीं रोज़ कर पा रही तो एटलीस्ट थर्सडे तो थर्सडे करूँ ही करूँ। तो ऐसे मेरा थर्सडे ना थोड़ा रूटीन अलग होता है रोज़ से, ऐसा आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों के साथ सोचा आज थर्सडे वाला रूटीन थोड़ा शेयर कर दूँ। इन डिटेल्स नहीं शेयर कर पा रही हूँ, बट थोड़ा बहुत जैसा भी हो पा रहा है उतना शेयर कर दे रही हूँ आज के वीडियो में बस। तो फिर उसके बाद आज मैं लहसुन प्याज का भी यूज़ नहीं करती हूँ, तो वही मैं यहाँ पे बता रही थी। तो आज मैंने वो भाजी जो बनाई, दाल भी बनाई, जो सुबह भी खाना बनाया था, उसमें पूरा लहसुन प्याज का यूज़ नहीं किया था मैंने। मैं सोचती हूँ और हफ्ते में एक दिन तो ऐसा हो जहाँ पे मैं, मतलब कोशिश करूँ कि इस चीज़ को मैं अवॉइड कर सकूँ, और अगर मैं इसको हमेशा के लिए छोड़ दूँ तो मतलब इट्स वेल एंड गुड, बट ठीक है, देखते हैं कब तक मैं इसमें सक्सेस हो पाऊँगी। और फिर यहाँ पे मैं अपना खाना लेकर बैठ गई हूँ, तो वहीं आप लोगों के साथ दिखाया, थोड़ा सा लेफ्ट ओवर राइस था दोपहर का, वो भी मैंने ले लिया। और सच बता रही, इतना अमेजिंग लग रहा था ना ये कॉम्बिनेशन, जो ये बैगन की भुजिया दाल रोटी, बहुत ही अच्छा लगा, थोड़ा सा घी डाल लिया। लेना था एक्चुअली, लेकिन दूध खत्म हो गया था, तो अभी 10:30 हो गए, आधे घंटे की वॉक की मैंने खाना खाने के बाद, और हम जाके आइसक्रीम खा के सो जाएंगे। एक्चुअली बच्चों को चाहिए था आइसक्रीम।